पढ़ रहे थे, ये जो आपकी संचयन बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 वो हमारा दिए जल उठे समाप्त हो चुका है। हम आज आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, है ना। अब उसके बाद हम 7 नंबर का जो चैप्टर है इसमें क्या है, लेखक परिचय, है ना। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीजें। जैसे सबसे पहले इसमें इस जो बुक है उसमें सबसे पहले हमने पाठ पढ़े थे गिल्लू कहानी, जिसकी लेखिका थी महादेवी वर्मा, है ना, जो इनकी कहानीकार है। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है, सबसे पहले महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1987, ठीक है। हिंदी की महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्ट में से एक है। छायावाद के 4 कवि थे, 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, उनमें से एक ये है ना। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए बहु प्रशंसित, यानी कहानी भी लिखी है इन्होंने, कविता भी लिखी है, संस्मरण और रेखा चित्र 4 चीजें लिखी है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया है ना। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रही है, ठीक है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, कविता संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये क्या है, संस्मरण है, है ना। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करके आप इसी में से पढ़ेंगे, जन्म, मृत्यु, रचनाएं और कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, ये 3-4 पॉइंट आप अपने से बनाएंगे। अब देखिए सेकंड वाला श्रीराम शर्मा, अब बताइए श्रीराम शर्मा का हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, स्मृति पाठ, है ना, स्मृति पाठ हमने पढ़ा था, जो कि क्या था, ये संस्मरण था, ये क्या थी, ये कहानी थी, गिल्लू कहानी, है ना। उसके बाद और ये संस्मरण था श्री राम शर्मा का स्मृति, ठीक है, दूसरा चैप्टर हमने ये पढ़ा था। अब उसके बाद देखिए इनका जन्म 1896 और मृत्यु देख लेना आप लोग, बुक में अच्छे से छपा नहीं है, है ना। तो देखिए प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे, विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की, हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं, शिकार जो साहित्य है उसके सबसे प्रमुख लेखक ये माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी एवं 1942 के संस्मरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। इसमें जन्म मृत्यु याद रखिएगा 1896, मृत्यु देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर छपा नहीं है, फिर विशाल भारत के संपादक के रूप में आपकी विशेष ख्याति है, उसके बाद इनका मेन मुख्य जो पॉइंट है इसमें शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, है ना। तो ये आप इसमें से नोट कीजिएगा या फिर इसमें ही अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कितने पॉइंट मैडम ने बताई थी इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम के विक्रम सिंह, तीसरा जो था हमारा इसमें क्या है, ये के विक्रम सिंह तीसरा पार्ट आप लोग बताएंगे हमने कौन सा पढ़ा था। इनका जन्म हुआ था 1938 और मृत्यु हुई थी 2013, है ना। ये शायद हमने पढ़े थे कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, ठीक है, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पढ़े थे हमने, है ना। कल्लू कुमार हम आधा लिख देते हैं, बाकी आप सुनिए, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, इसके लेखक विक्रम सिंह, 1938 को जन्म, 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। अध्यापक कार्य से प्रारंभ कर सरकारी नौकरी में विभिन्न महकमों में उच्च पदों पर कार्यरत रहे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक फिल्म नीति के पद पर कार्य करते हुए समय से पहले ही नौकरी को विदा कर अपनी विशेष दिलचस्पी के कारण सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में सक्रिय हो गई, यानी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और सिनेमा और टेलीविजन में कार्य करने लगे। विकास, पर्यावरण और देशांतरण की ओर विशेष झुकाव रखने वाले के विक्रम सिंह ने अंधी गली 1984 मतलब 1984, न्यू डेली टाइम्स 1985,
यानी कि 1985 के निर्माण में सहयोग के साथ साथ तर्पण 1994 मतलब कि 1994 का भी निर्माण किया। उन्होंने टेलीविजन के लिए फिल्म सृजन 1994 का निर्देशन तथा कवि और कविता श्रृंखला का निर्माण एवं निर्देशन भी किया। 60 से अधिक वृत्तचित्र भी बनाए। अनेक वृत्तचित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुए। फिल्म कार्य के साथ साथ जीवन समाज और कलाओं से संबंधित विषयों पर जनसत्ता में नियमित रूप से स्तंभ लेखन किया है ना। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें लग रही है इसमें ये आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर जितने सन छपे हैं और उनकी रचनाएं छपी है उसको याद रखेंगे कि अंधी गली कब लिखा 1994 में, न्यू डेली टाइम्स 1985 में, साथ साथ तर्पण 1994 में है ना, और 1994 में फिल्म का सृजन भी किया। उसके बाद इनका जन्म हुआ था तब 1938 और 2013 में मृत्यु, ये हो गया। उसके बाद देखिए धर्मवीर भारती, फोर्थ हमने पढ़े थे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का कौन सा चैप्टर हमने पढ़े थे, वो पुस्तकालय वाला है ना, क्या नाम था उसका, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ठीक, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये याद रखिएगा आप लोग। इनका जन्म हुआ था 1926 में और मृत्यु हुई थी 1997 में है ना। तो ये बहुचर्चित लेखक एवं संपादक है, कई पत्रिकाओं से जुड़े पर अंत में धर्मयुग के संपादक के रूप में गंभीर पत्रकारिता का एक मानक निर्धारित किया। याद रखना है अपने को कि क्या थे ये लेखक और संपादक थे और कई पत्रिकाओं से जुड़े और अंत में धर्मयुग, धर्मवीर भारती किससे जुड़ गए, धर्मयुग से है ना। बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती की लेखनी ने कविता कहानी उपन्यास नाटक निबंध आलोचना अनुवाद त्रिपुरता आदि अनेक विधाओं द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सांस की कलम से, मेरी वाणी, गैरिक वसना, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, सूरज का सातवां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, पश्यंती, कहनी अनकहनी, शब्दिता, अंधा युग, मानव मूल्य और साहित्य तथा गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती पद्मश्री की उपाधि से भी व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको नोट करना है। 1926 को जन्म और 1977 को मृत्यु। कविता कहानी उपन्यास नाटक निबंध आलोचना अनुवाद त्रिपुरता ये सब इन्होंने लिखा है और ये बहुचर्चित लेखक भी हैं और संपादक भी। और उन्होंने धर्मयुग जो है एक पत्रिका उसको क्या किया है, उसके मुख्य संपादक रहे हैं है ना। उसके बाद रचनाएं कौन कौन सी है ये याद रखेंगे। अंत में धर्मवीर भारती पद्मश्री की उपाधि से भी, पद्मश्री की उपाधि ने प्राप्त हुई, शासक व्यास और सम्मान, व्यास सम्मान और राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें अलंकृत किया गया है। अब ये हो गया फोर्थ है ना। अब आपका है फिफ्थ, इसको हम मिटा देते हैं, फिफ्थ यहीं पे लिख देते हैं। देखिए फिफ्थ में आपको देखना है एस के पोटेकार्ड। एस के पोटेकार्ड, इनका जन्म हुआ था 1913 ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1982। इनका हमने कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, दिए जन्म थे तो उन्हें लास्ट में पढ़े हैं। इसके पहले कौन सा चैप्टर था, हामिद खान है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली जो सांप्रदायिकता है उसके बारे में बताया है। कि अपन सोचते हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं लेकिन इस पाठ के माध्यम से बताया गया कि हिंदू मुस्लिम में किस प्रकार एकता है ना। तो मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार है, याद रखिएगा क्या है ये, मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस के कोट्टेकार का पूरा नाम है संक्रम कुट्टी कोट्टेकार। इनका पूरा नाम क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, संक्रम कुट्टी कोट्टेकार। उनका जन्म केरल के कोसिकोड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए है ना। जन्म कहाँ हुआ था, केरल के कोसिकोड कालीकट में। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। कोट्टेकार की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह
और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाड की पूरी सफलता को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोट्टेकाड को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और उनकी प्रमुख कृतियां प्रेम शिशु, विषकन्या और मुटुपडम। ठीक है, ये रचनाएं होंगी। एक बार फिर से देख लिए, मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनका पूरा नाम है संक्रम कुट्टी पोट्टेकाड। केरल में इनका जन्म कोसिकोड कालीकट में है ना। उसके बाद इन्होंने कहा, इनकी कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सदैव चित्रण है ना। उसके बाद कथाकार पोट्टेकाड को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मुटुपडम है ना। अब देखिए लास्ट और आखिरी वाला मधुकर उपाध्याय 1956। ये शायद अभी जीवित हैं, मृत्यु नहीं दी गई है। सिक्स वाला हम पढ़ेंगे। दिए ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम है मधुकर उपाध्याय। मधुकर उपाध्याय इनका जन्म हुआ था 1956 में। मृत्यु नहीं बताई गई है ना, चाहे तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, देख लीजिए। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खासतौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया। जैसे दांडी यात्रा किया था ना गांधी जी ने, तो उनको भी प्रेरित किया गया। उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। दांडी यात्रा ने प्रेरित किया महात्मा गांधी की, और ये भी 400 किलोमीटर पैदल यात्रा की। आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी सराहा गया है ना। उनकी जो पुस्तक है किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार है ना, वो भी बहुत प्रसिद्धि मिली है। हिंदी और अंग्रेजी में समानाधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। ठीक है, मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः दोहरा देते हैं, मधुकर उपाध्याय का जन्म 1556 है ना। प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की इन्होंने। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान के स्नातक होने के बाद ये भारतीय संचार जनसंस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा लिया है ना। और उसके बाद महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है उससे प्रेरित होकर उन्होंने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल प्रसिद्ध हो गई। और इन्होंने इनकी कहानी है पांडे सीताराम सूबेदार की, यह भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद देखिए हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। और पत्रकारिता और साहित्य के साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है ना। रेखा चित्र भी लिखते, कार्टून विधा भी लिखते हैं। और उसके बाद अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये आजकल कहाँ है, दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक है। तो ये 6वां जो हमारे चैप्टर थे उनके 6ों के लेखक परिचय, और इधर सामने जो है आपको मिल जाएगा पाठों का परिचय। ये देखिए पाठ का परिचय यहाँ पर शुरू में है, तो वो आप इससे भी पढ़ सकते हैं है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। जो इम्पोर्टेंट चीज है या तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर बुक में ही एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ के टिक लगा लीजिए है ना, और उसके बाद उसको बाद में लर्न कर लीजिएगा। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद बच्चों। और उसके बाद हम आपको पद्य या कविता के जो चैप्टर बचे हुए हैं हमारे वो पढ़ाएंगे है ना।